गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी नेक्स्ट पार्ट लेसन फर्स्ट क्लास फिफ्थ ग्रामर पेज नंबर सी 8. ओके, सो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. सेंटेंस कितने पार्ट्स के बने होते हैं? दो पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट इज सेंटेंस इज दैट पार्ट विच नेम्स द पर्सन और द थिंग वी टॉक अबाउट. ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे. जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, वो नेम या पर्सन होता है या थिंग होता है. ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. प्रेडिकेट क्या होता है? वो सेंटेंस, ठीक है, जिसके बारे में, मतलब सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है. ओके, जैसे एग्जांपल दिया है, आवर अर्थ इज़ ए ब्यूटिफुल प्लैनेट. सो आवर अर्थ क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, ये थिंग्स, ठीक है, और इज ए ब्यूटिफुल प्लैनेट, ये आपका प्रेडिकेट है. इसके बारे में ये बताया जा रहा है. किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, वो प्रेडिकेट होता है. इन सम सेंटेंस द सब्जेक्ट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इट मे ओनली बी अंडरस्टूड. ठीक है, लीव मी, ये इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप एक्सप्रेस कर सकते हो, सब्जेक्ट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू, यानी कि मन से आई थैंक यू. ओके, मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ. ठीक है, सो अब देखिए, ये आपका मैच है. मैच ईच सब्जेक्ट विथ इट्स सुटेबल प्रेडिकेट टू मेक द करेक्ट सेंटेंस. सो दीज फ्लावर्स, इसमें आपको मैच कराना है. किससे मिलेगा? आर वेरी ब्यूटिफुल. बार्किंग डॉग्स यानी कि सेल्डम बाइट. द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, द अर्ली बर्ड यानी कि ये द अर्ली बर्ड, सॉरी द अर्ली बर्ड, ये कहाँ पे आया है आपका? कैचेज द वॉर्म. ओके, द ग्राउंड ये आपका वाज फुल ऑफ ग्रास. फायर ये आपका कहाँ जाएगा? बर्न्स लाइट. सम पीपल वेंट अप द हिल. हर मदर इज वेरी ब्यूटिफुल. द वाटर इज वेरी प्रेशियस. द जैक एंड हिल ये कहाँ क्या बनाएगा? और फाइटिंग. ओके, नेक्स्ट. अब इसमें आपको इन सर्कल करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को. ठीक है, इसमें सब्जेक्ट को सर्किल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है. तो यहाँ पे आपका रवि आपका क्या है? सब्जेक्ट है. और ईट एन एप्पल ये आपका प्रेडिकेट है. ओके, योर हेयर इज़ लॉन्ग यानी कि योर इसमें आपका क्या है? सब्जेक्ट है. हेयर इज़ लॉन्ग का आपका क्या है? प्रेडिकेट है. द टीचर अपॉइंटेड हिम द मॉनिटर. टीचर इसमें क्या है? प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है. और अपॉइंटेड हिम द मॉनिटर प्रेडिकेट है. देखिए, हमने सब सर्कल बना लिया है. ठीक है, इसको भी आप जैसे हमने किया है वैसे ये आप कर लेंगे. ओके, अब यहाँ पे जी है. एड सुटेबल प्रेडिकेट टू ईच द फॉलोइंग सब्जेक्ट. ठीक है, ऐड करना है. इसमें आपको प्रेडिकेट क्या करना है? ऐड करना है. द पुलिस मैन वॉचेस इन माय सिटी. द वाटर इज माय लाइफ. यहाँ पे आपने क्या भर दिया, मतलब इसको कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, प्रेडिकेट फील करके. और माय फादर इज ए डॉक्टर. द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल. द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. और रीडिंग द वर्क. ओके, अब यहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस किया है, ये आपको पढ़ना है. फॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन. वी यूज़ नॉट, नो और नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. हमेशा हम कब नो या नॉट का यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद. जैसे इज, एम और वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड. ठीक है, इसके बाद ही हम निगेटिव नो या नॉट
लिखते हैं, ठीक है। रवि वॉज इन दिल्ली, ठीक है, रवि वॉज नॉट, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद ही नॉट लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये आपका एग्जांपल है अब, ठीक है। और जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और मेड इनटू नेगेटिव वंस बाय प्लेसिंग द वर्ड नॉट नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा कब लगाते हैं, जैसे नेगेटिव है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं हम, ठीक है। जब भी लगाते हैं नेगेटिव, नॉट का यूज जब भी करते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। जैसे ही एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाई विल सी कम हियर, तो यहाँ पे देखिए व्हाई विल सी नॉट कम हियर, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है ना, तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही आपका ये नॉट लगा हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट है, डू यू नो द रूट, डू यू नॉट, ठीक है। यू यानी कि आपका ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका नॉट लगा हुआ है, ओके। आर यू अंडरस्टैंड, ओके। जस्ट नेक्स्ट है, देखिए इफ द शॉर्ट एंड फ्रॉम एंड नॉट है, ये लगा हुआ है, इसको शॉर्टकट में ऐसे ही लिखते हैं हम, इज़ यूज्ड देन एंट्री, ठीक है, नॉट इज़ एडेड टू द एक्सिलरी वर्ब वर्ब एंड द सब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड आफ्टर दैट, ठीक है, इसके बाद ही लगाते हैं। जैसे डू यू नो द रूट, तो हम इसको डू है ना, तो डोंट कर देंगे, ठीक है। डू के जस्ट बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, ओके। डू नॉट, डू नॉट योर, do not you know the root, next opposite है, जैसे imperative sentence है, imperative sentence are made into the negative ones by placing do not or don't at the beginning the sentence, okay। imperative sentence बनाया जाता है negative में, ठीक है, जैसे डू नॉट है तो हम डोंट लिखते हैं, शुरू में ही लिख देते हैं, ओके, इम्परेटिव सेंटेंस में। जैसे गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ, तो हम इसमें नेगेटिव में यूज करते समय क्या करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। अपोजिट्स और ऑफन यूज टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू द इनटू नेगेटिव वंस, ठीक है। अपोजिट अफर्मेटिव में अगर दिया हुआ है सेंटेंस, तो अगर हमें नेगेटिव में बनाना है तो वो अपोजिट कर देते हैं, नॉट नहीं लगाते हैं। नॉट जरूरी नहीं है कि आप लगाओ, आप अपोजिट भी कर सकते हो, ओके। नेगेटिव ये ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। रीता इज़ अनहैप्पी टुडे, तो ये हम क्या करेंगे, अनहैप्पी, हैप्पी का अपोजिट क्या होता है, अनहैप्पी होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव वंस, तो इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। जैसे अभी आपको हमने फॉर्मेशन बताया था कि हमेशा किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम क्या लगाते हैं, नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अभी हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो है ये अब किस में दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज करते हैं, ओके। डिड का यूज करते हैं तो हम डिड नॉट लगाते हैं, ओके। तो जैसे महेश गेव मी द बुक फॉर ए मंथ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, महेश डिड नॉट गेव मी द बुक फॉर ए मंथ, ठीक है, ये लिखते हैं, ये राइट कर लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में, ओके। पूजा स्पीक्स फ्रेंच, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें हम डज नॉट का यूज करते हैं। पूजा डज नॉट स्पीक फ्रेंच, ठीक है। आई शैल गो आउट इन द रेन, आई शैल नॉट गो आउट इन द रेन। डिड रोहन सेंड यू एन ईमेल, डिड रोहन नॉट सेंड यू एन ईमेल। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सी हैड ए वंडरफुल डे, सी हैड नॉट ए वंडरफुल डे।
वी मस्ट कीप साइलेंट, वी मस्ट नॉट कीप साइलेंट. इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट इज़ नॉट रेनिंग सिंस मॉर्निंग. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डू यू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेशन. प्लीज़ सिट हेयर, प्लीज़ डोंट सिट हेयर. ओके, जस्ट जैसे जैसे हमने राइट किया है वैसे आप राइट कर लोगे. ओके, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेशन. अब इसको इंट्रोगेटिव में करना है. ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्या है, बिगनिंग विद द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सच एज व्हाट, हु, विच, हुम. ठीक, शुरू में हम क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं, हु, विच, हुम. बिगनिंग विद एडवर्ब्स व्हेन, वेयर, हाउ, इट इज सी. ठीक है, बिगनिंग विद द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, विच कलर, हाउ मच, हाउ मेनी, हु हैज कम इन. ओके, ये एग्जांपल दिया हुआ है जैसे. ठीक है, अब ये आपका शुरू में लगा दिया जाता है, ये जैम आर से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव में चला जाता है. ठीक है, रोहन प्लेज, ऑक्सिलरी वर्ब, ये देखिए, सीता कैन डू इट. ठीक है, जैसे दिया हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, ये जो है ना ऑग्जिलरी वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब को आप क्या करोगे, सबसे पहले लगा दोगे. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कैन सीता डू इट, फर्स्ट में आप मॉडल वर्ब लगाओगे, फिर उसके बाद आगे का सेंटेंस कंप्लीट करोगे. उसके बाद जैसे वी ऑट टू लिसन केयरफुल्ली, तो ये ऑट जो है ये आपका मॉडल्स है, तो ये मॉडल आप पहले लगाओगे, ऑट वी टू लिसन केयरफुल्ली. ओके, सो इसी तरह से आपको करना है. जैसे ये देखिए, ये इंट्रोगेटिव में आपको कन्वर्ट अगर करना है तो रोहन प्लेज हॉकी, रोहन हॉकी खेलता है, तो ये आपको हमने पहले बताया था कि जैसे प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में है तो आप क्या लगाते हो, डू या डज लगाते हो. तो प्लेज दिया हुआ है तो यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का है, तो आपको जब नॉट लगाना पड़ता है तो आप क्या लगाते हो, क्या करते हो, डज करते हो. हाँ, जैसे इंट्रोगेटिव में आपको बनाना है तो आप पहले क्या करोगे, डज करोगे, डज रोहन प्ले हॉकी, ये देखिए दिया है ना, डज रोहन प्ले हॉकी, क्या रोहन हॉकी खेलता है. ओके, और नेक्स्ट है वी प्ले टुगेदर, हम साथ खेलते हैं, तो ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिया हुआ है, तो आप पहले क्या करोगे, डू वी प्ले टुगेदर. ओके, डू वी प्ले टुगेदर. इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, एग्जीक्यूट नाउ. ठीक है, ये हम आपको क्या करते हैं, आपको हम होमवर्क देते हैं. ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने बताया है, यहाँ पे हमने आपको नेगेटिव में करवाया, इसी तरह से आपको इसमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में बनाना है. ठीक है, ये वन एंड ये टू, दूसरा आई और जे का, दोनों का आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है. जस्ट एंड इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कंसल्ट मी. ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.